दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम ऐसे टॉपिक के ऊपर जो टॉपिक आपसे आपकी जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। टॉपिक जो है वो है कि हमें उपहार या फिर गिफ्ट के रूप में मिली हुई चीजों में से स्पेशली घड़ी जो होती है उसका गिफ्ट देना या लेना चाहिए या नहीं। ये हमारे जीवन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे रिलेशनशिप्स में क्या दरारें लेके आ सकता है, पूरी विवेचना मैं इसी के ऊपर रखूंगा। एस्ट्रो गाइड मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सीधा टॉपिक के ऊपर आते हैं। दोस्तों जब कोई उपहार हम किसी को देते हैं, बेसिकली ग्रहों की संज्ञा में हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की कारक वस्तु है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होती है। उसी तरह आप अपने जीवन में जब कोई बर्थडे पार्टी में किसी को कोई गिफ्ट करते हैं, जब कोई लड़का या लड़की आपस में किसी रिलेशनशिप में चल रहे होते हो तो उसमें कोई गिफ्ट का जो आदान प्रदान है वो करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी कारक चीज का ही दान होता है, उपहार होता है। तो उसमें क्लॉक जो होती है हमारे घर की, हमारे जीवन में घड़ी जो होती है वो हमें अच्छे वक्त की निशानी जो है वो बताई गई है, क्योंकि घड़ी का आगे की ओर चलना आपके जीवन को एक दिशा जो है वो देता है। घड़ी जो है वो बेसिकली कुंडली में बुध ग्रह को भी कहीं ना कहीं दर्शाती है। बुध ग्रह का रिलेशन जो है वो घड़ी से बन जाता है, और बुध जो है वो आपके जीवन में आपका मस्तिष्क है, आपकी सामाजिक इज्जत है, आपका दिमाग है, और सबसे जरूरी आपके जीवन में आपको जीवन की दिशा देने वाला ग्रह है। तो इसीलिए जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो सप्तम भाव क्या है दोस्तों? सप्तम भाव जो होता है ये पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप आप दो लोगों के बीच में भी कर सकते हो, आप किसी से दोस्ती करते हो तो वो भी एक पार्टनरशिप है। रिश्ता निभाने तक की जो बात होती है वो सप्तम भाव से ही देखी जाती है। बेसिकली गृहस्थी की बात हो तो शुक्र होते हैं, लेकिन जब आप अपना रिश्ता निभाने की बात करते हैं तो बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बुध जुबान है, कई बार मन मुटाव जो होते हैं वो बातों से हो जाते हैं। कई बार मन की बातें हम जब आदान प्रदान करते हैं तो वो बुध ग्रह की खराबी की वजह से होती है। तो इसीलिए काफ़ी बार कमेंट में मुझे कमेंट आई भी है कि सर जब एक बॉय और गर्ल आपस में किसी रिलेशन में चल रहे हों तो हमने घड़ी का दान या उपहार दे दिया किसी बर्थडे के ऊपर, क्या वो बुरा असर देगा? बिल्कुल देगा। घड़ी का उपहार आपको कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में आपके बुध को कहीं ना कहीं दर्शाता है, और जब आप अपने जीवन से वो पॉजिटिविटी किसी दूसरे को देते हैं तो उसके जीवन में अगर कुंडली में बुध खराब हुआ और उसने वो दान या उपहार ले लिया तो वो जीवन की दिशा को चेंज कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमें ये चीज़ का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि आप अपना रिलेशन कहीं खराब तो नहीं कर रहे। घड़ी बेसिकली दोस्तों बुध से रिलेट करती है, और जब हम कोई रिश्ते निभाने की बात करते हैं या दिमागी कामों की बात करते हैं तो दिमाग जो है वो बुध है, और बुध में चलने वाले विचार जो है वो राहु के हैं। तो बात है कि घड़ी का दान या उपहार कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अच्छे भावों में बैठे हुए हैं, कहने का भाव खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 7 में हो, खाना नंबर 10 में हो, तो इन भावों में बैठे हुए बुध, खाना नंबर 6 में हो तो इन भावों में बैठे हुए बुध आपके अच्छे फल देने वाले हैं, और आपने अपने जीवन से वो दिशा, वो मैच्योरिटी, वो बुध का ज्ञान घड़ी के रूप में किसी को दान कर दिया तो वो उनके जीवन की दिशा को बिगाड़ सकता है और आपके रिलेशन को खराब कर सकता है।
स्वाभाविक है कि बुध का देखना कुंडली में जरूरी है। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठे हैं, कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, कुंडली के नाइन्थ हाउस में बैठे हैं, कुंडली के बारहवें भाव में बैठे हैं, तो ये बुध के बुरे भाव हैं। अगर आपने उपहार घड़ी का ले लिया, किसी से ले लिया, कोई आपको दे गया, तो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा, नेगेटिविटी बढ़ा देगा, मन परेशान कर देगा, आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, रिलेशन कुछ हद तक आपके मन मुटाव जो है वो बन जाएंगे अगर कुंडली में बुध खराब है। दोस्तों, जीवन सुचारू रूप से चल रहा है, उपहार जीवन का ही एक हिस्सा है। आप अपनी खुशी को इजहार करने के लिए कभी मीठे का उपहार देते हैं, कई बार सेलिब्रेशंस में घड़ियां देते हैं, या फिर हम कोई स्टैचू जो है वो देते हैं, काफ़ी चीज़ों का जो है वो परिवर्तन जो है वो हम करते हैं जब हम किसी को ग्रीट करते हैं किसी तरीके से। तो घड़ी का दान बोलो या घड़ी का उपहार बोलो, चीज़ें सेम ही हैं। देखना आपको है कि आपके जीवन में बुध कहीं खराब तो नहीं। दोस्तों, जीवन में अगर आपके घर के अंदर घड़ी किसी से उपहार के रूप में आई हुई है और आपके वो उपहार जो जो आपने लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं से खराब हो चुका है, टूटा फूटा हुआ है, आपके घर में ऐसे ही क्लटर के रूप में रखा हुआ है, तो आज ही निकाल दें। अगर घर में घड़ियां बंद हो चुकी हैं, आपका आपको पता है कि ये घड़ी खराब है लेकिन फिर भी आपने स्टॉक में रखी हुई है, उसे ठीक कराएं, नहीं तो बाहर डिस्ट्रॉय कर दे दोस्तों, खत्म कर दे उनको। तीसरी कंडीशन में, घड़ी को आपने कभी भी दक्षिण की दीवार के ऊपर नहीं लगाना, इस चीज का ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में लगी हुई घड़ी आपके जीवन में काफी परिवर्तन नेगेटिविटी के रूप में लेके आ सकती है। नॉर्थ की दिशा बेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में लगाएं या फिर नॉर्थ में लगाएं, आपको सुचारू अच्छे रिजल्ट जो है वो मिल सकते हैं जब घड़ी की दिशा आपकी अच्छी होगी। बेडरूम के अंदर घड़ी मत लगाएं। काफी बार देखा गया है कि कुंडली का बारहवां भाव भी जो होता है, ये भी कुंडली का बारहवां भाव बेडरूम है, और बेडरूम में बुध का एक्टिवेशन मोड में होना, गलत दिशा में लगी हुई घड़ी का होना, आपकी बहस को बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आम इंसान जो है वो नहीं समझ पाता, लेकिन अगर आप कुछ हद तक अपने जीवन में इन चीजों का परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके जीवन में ये जो नेगेटिविटी चीजें होती हैं, मन मुटाव या फिर परेशानी वाली जो चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं से तो आ रही होंगी ना, इस चीज का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो उपहार उस लेवल पे दीजिए, गिफ्ट का एक्सचेंज उस लेवल पे करिए जिस लेवल पे आपको उस चीज का ज्ञान हो। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है कि वॉच, चाहे वो हाथ की वॉच हो या फिर वॉल क्लॉक हो, कोई भी वॉच हो, गिफ्ट का आदान प्रदान इस रूप में आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको रास्ते में कोई घड़ी मिल गई और आपने उठा के पहन ली, ये तो आपके जीवन में विनाश कर देगी। क्यों कर देगी? क्योंकि वो घड़ी आपने सड़क से उठा के खुद ही पहन ली भाई, वो कहीं ना कहीं से तो किसी की नेगेटिविटी तो आपके आपने अपने पास ले ली ना, तो इस चीज को भी समझना जरूरी है। तो दोस्तों, कभी भी गिफ्ट के या उपहार के रूप में लिया हुआ बिना पैसे का वो गिफ्ट आपके जीवन में वो दान नहीं है, किसी की नेगेटिविटी किसी के ऊपर तो वो जाएगी ही जाएगी, इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी दोस्तों, ये वीडियो में अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा हो, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। मेरा आज का मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि मेरी ऑलरेडी जो दो वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनी हुई हैं, उनके नीचे जो कमेंट मैं पढ़ता हूँ, तो उनमें काफ़ी कमेंट जो होते हैं वो इसी रूप में होते हैं कि सर, रिलेशनशिप में घड़ी दे सकते हैं क्या, क्या घड़ी मंदिर में दे सकते हैं क्या, या रास्ते में मिली हुई घड़ी को उठा सकते हैं क्या, अगर घड़ी घर में खराब पड़ी है सर, मुझे गिफ्ट के रूप में आई हुई है, तो मैं क्या करूं? तो ये आप कंफ्यूज मत होइए। मेरा मेन मोटिव है कि उपहार कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अवॉइड ही करना चाहिए। अगर रिलेशन बहुत नज़दीक का रिलेशन है, तो रिलेशन बहुत नज़दीक का रिलेशन है आपका, तो आप कुछ दान दक्षिणा या कुछ पैसे दे के वो चीज़ को अगर आप ले लेते हैं, तो इससे भी ग्रहों के दोष जो हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, ग्रहों में रिलेशन को विच्छेद
करने का जो काम होता है वो आपकी जुबान बुद्ध करती है। बुद्ध में चल रहे विचार जो हैं नेगेटिव सेंस में वो राहु करते हैं। तो बुध राहु के मेल से कहीं ना कहीं दिमागी फितूर, दिमागी विचार आपको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझ होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो घड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आगे हमें चीज़ पड़ी है, वो बुध राहु के मेल से ही चल रही होगी। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी दोस्तों आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, और मैं आपसे विनती, गुजारिश, निवेदन करता हूं कि चैनल को प्यार दीजिएगा, चैनल को बड़ा करिएगा। आपके साथ ही, आपकी सपोर्ट से ही चैनल को हम बड़ा कर सकते हैं। वीडियोस आपके लिए मैं डेली बनाता हूं, बनाता रहूंगा, तो कृपया हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।